हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुलजीत कौर। तो आज मैं बना रही हूँ चैपस्टिक एंड लिप बाम। तो आप इजी से घर में कैसे बना सकते हैं, देखिए बहुत खूबसूरत सा कलर है। तो बहुत इजी से आप बना सकते हैं, ये देखिए बहुत स्मूथ स्मूथ बना है। तो मैंने एक बार पहले भी बनाया था, तो अभी मेरे पास, आपको पता है कि मैं कभी भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर है इसका, बहुत प्यारा बना है। तो इतना स्मूथ है, आपको पता है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में आपको ये चीज़ें बहुत काम किया है, मतलब आपके लिए। तो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, अपने पर्स में, अपनी बेटी को भी देती हूँ बनाकर। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत सा कलर है और कितना स्मूथ सा बना हुआ है। तो मोस्टली होता है कि आपका दिल करता है कि थोड़ा सा कलर भी हो और आपके जो लिप्स हैं वो सॉफ्ट भी रहें। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मैं आपको, चलिए बनाना सिखाती हूँ कि कैसे मैंने बनाया है ये प्यारा सा कलर लिप बाम और चैपस्टिक। मेरे पास ये लिपस्टिक बची हुई थी तो मैं इसे निकालूँगी, देखिए बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। तो मैं टूथपिक की मदद से इसे निकाल रही हूँ अच्छे से, तो बाद में इसे मैं क्लीन कर लूँगी। तो पेपर टॉवल वगैरह से मैं क्लीन कर लूँगी। ये देखिए जितनी भी बची है मैंने ऐसे निकाली है, ये मेरा फेवरेट कलर था तो इसीलिए मैंने इसे इतना यूज़ किया है। तो अभी भी मैं चाहती थी कि मैं इसे कैसे यूज़ करूँ, तो अभी मैंने सोचा कि मैं इसका लिप बाम और चैपस्टिक बनाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल मैंने क्लीन कर लिया है। तो इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए, आपको पानी ऐसे रख देना है बॉयल होने के लिए और फिर उसमें एक कटोरी रख देनी है। मैं शिया बटर यूज़ कर रही हूँ, 2 टीस्पून लूँगी मैं शिया बटर के, और बीज वैक्स मैं लूँगी 2 टीस्पून। तो ये देखिए, तो बादाम रोगन जो होता है आलमंड ऑयल, तो उसके मैं लूँगी 2 टीस्पून। तो इन सबको मैं अच्छे से मेल्ट होने के लिए रख दूँगी। तो इसको मुझे मेल्ट होने में 15-20 मिनट लग गए थे, तो बिल्कुल स्लो पर, मीडियम पर आपने रखना है ताकि जो चीज़ों का असर है वो ख़राब बिल्कुल भी ना हो। तो टाइम लग जाता है थोड़ा इसे मेल्ट होने के लिए। तो आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। बीज वैक्स है जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी, और शिया बटर भी, अगर आपको लिंक चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसके बाद मैंने जो लिपस्टिक निकाली थी तो उसे मैंने इसमें मिक्स कर दिया है अच्छे से। तो इसे मुझे अराउंड 30 सेकंड लगे होंगे मिक्स करने के लिए, तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो जब भी आपने इसे निकालना है, जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो ये एकदम से जम जाता है बाहर आते ही, तो बहुत ध्यान से आपको निकालना है। तो जो कटोरी है थोड़ी गर्म हो चुकी है, तो ये देखिए मैंने बाहर निकाल लिया है, थोड़ा सा वार्म हो चुका है, बस फ्यू सेकंड में ये वार्म हो जाता है। तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, जल्दी से आपने निकाल लेना है। तो ये देखिए मैं इसमें निकाल कर रख लेती हूँ। तो इसे जमने के लिए भी बस 4-5 मिनट में बिल्कुल जम जाता है जी अच्छे से। तो बाकी जो है मैं इसमें लिपस्टिक जिसमें निकाली थी मैंने, तो इसमें डालूँगी चैपस्टिक बनाने के लिए। तो ये देखिए बस मैंने इसमें निकाल लिया है। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद ही मेरी जो चैपस्टिक है और जो लिप बाम है कितना अच्छे से रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की मेरी जो वीडियो है आपको पसंद आई है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट रीड करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हम जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।